हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकले न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। CSL यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर बीटेक के लिए वैकेंसी है। बीटेक आप देख सकते हैं किस किस ब्रांचेस में, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, नेवल आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन सब ब्रांचेस में अगर आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल है। अब बात कर ले आपका जो रिलेवेंट ब्रांच है, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है सिंपल, तो आप रिलेवेंट ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा नीचे जाना है। यहाँ पर जितने भी ब्रांचेस ऊपर दिए हैं, जैसे कि मैं आपको एक दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस भी बोला गया है, देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोला गया है, और उसके साथ अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, या फिर MSc IT है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, देख सकते हैं। तो ये रहा आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे दिया हुआ है आपका रिलेवेंट ब्रांच। बट बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, नेवल आर्किटेक्चर, तो इनका रिलेवेंट नहीं दिया है। सिविल में यहाँ पे सिविल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है मैकेनिकल है, नेवल में नेवल आर्किटेक्चर। तो रिलेवेंट ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका रिलेवेंट ब्रांचेस दिया हुआ जो आपका कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से खुद ही एलिजिबल किया गया है। तो इन सब ब्रांचेस में अगर आपका है उसके अलावा तो भी आप एलिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले तो एलिजिबल है, साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है यानी कि ट्रिपल ही। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो कि बहुत लोग करियर रहते हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा ये पांच ब्रांच भी एलिजिबल है। उसी तरह मैकेनिकल में देख सकते हैं मैकेनिकल तो एलिजिबल है ही, देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, देन मेकाट्रॉनिक्स, देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ये भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेवल आर्किटेक्चर में नेवल आर्किटेक्चर तो एलिजिबल है ही, देन नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, देन नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, देन डुअल डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर बीटेक विथ एमटेक, ये लोग भी एलिजिबल है। तो इतने सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्रांच इसमें आ गया होगा अगर आप इससे रिलेवेंट है तो। सब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो 65% बोला गया है जिस भी डिसिप्लिन से आप है। एक और यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो आपके नॉन टेक्निकल के लिए, तो जो लोग यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कर रखे वो भी एलिजिबल है, बट 2 ईयर का आपको यहाँ पे मास्टर्स डिग्री बोल दिया गया है। तो मास्टर्स डिग्री आपका किसी भी फील्ड में आप एलिजिबल है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे पूरा बता दिया गया है। तो सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबल नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स डिग्री भी होना चाहिए, तो ये लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं नॉन टेक्निकल बेस पे। तो बात कर ली यहाँ पे बीटेक के बारे में, तो पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एज लिमिट डिसाइड किया जाएगा वो 27 अक्टूबर तक डिसाइड किया जाएगा। तो ये आपका कट ऑफ डेट रखा गया है एज लिमिट के रिगार्डिंग। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में एक चीज़ और बता दूँ, जो भी लोग फाइनल ईयर में वो भी एलिजिबल है। फाइनल ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप जहाँ पर आपको एलिजिबल डिसिप्लिन दिया गया है आपका इक्विवेलेंट, वहीं पर आप देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में दिया गया स्टूडेंट्स अपीयरिंग और हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स इंडिकेटेड एट क्लॉज 1 अबव कैन ऑल्सो अप्लाई बाय गिविंग देयर एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर। तो जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मान के चलिए किसी का 7 सेमेस्टर तक है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 सेमेस्टर तक जितना आपका एग्रीगेट मार्क्स आया परसेंटेज वो आप अप्लाई कर दीजिएगा वो डाल के। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2021 तक सभी स्टेट का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनका आ चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो उनका अभी रिजल्ट नहीं आया, जो एग्ज़ाम दे चुके या फिर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर 2021 यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन होगा इनका, या आपका जनवरी 2022 भी हो सकता है, जब भी डिपेंड करेगा आपका एग्ज़ाम कब होता है और उसका रिजल्ट कब आता है, तो उस पे बेस पे आपका तो DV तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल है। तो जो भी फाइनल ईयर के वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात कर ले एज लिमिट के बारे में, तो 27 ईयर्स रखा गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए, देख सकते हैं एज ऑन 27 अक्टूबर, तो इस दिन तक आपका यहाँ पर
27 ईयर्स रहना चाहिए जनरल के लिए। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा प्रोसेस क्या होने लगा, तो आप देख सकते हैं पहले रिटर्न पर सबसे ज़्यादा वेटेज है 60 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपका रिटर्न होगा 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का रिटर्न का पूरा सिलेबस दे दिया गया, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस आपका 5 मार्क्स का रहेगा, देन इंग्लिश आपका 5 मार्क्स का रहेगा, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स का, देन रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स, तो ये सब मिला के आपका 20 मार्क्स, और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। तो 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का होगा, और 60 मार्क्स का ही होगा। नॉन टेक्निकल आपका 20 नंबर का रहेगा और टेक्निकल 40 नंबर का। अब टेक्निकल में जो 40 नंबर का है, इसमें आपको जो भी आप डिसिप्लिन से, अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएगा, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, उसी हिसाब से अपने अपने डिसिप्लिन के हिसाब से देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ नो नेगेटिव मार्क, तो आपको नेगेटिव नहीं रहेगा, तो काफ़ी अच्छा बात है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होते हैं रिटर्न के बाद, तो आपको यहाँ पर सेकेंड फेज़ में ग्रुप डिस्कशन होगा। सेकेंड फेज होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा, यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के यहाँ पे जहाँ लिखा गया है इसी जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका फेज़ टू जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी अलाउड टू अटेंड द फेज़ टू। तो देख सकते हैं ये होगा आपका, तो इसीलिए मैंने बोला रिटर्न के बाद, तो रिटर्न में आपका टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 60 मार्क्स का होगा, देन आपका उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो आपका 10 मार्क्स का होगा, देख सकते हैं यहाँ पर। देन आपका राइटिंग स्किल्स होगा, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, ग्रुप डिस्कशन के साथ ही होगा। देन उसी दिन शायद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो वेटेज देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव का 60, देन पर्सनल इंटरव्यू का 20, देन ग्रुप डिस्कशन का 10, देन राइटिंग स्किल का 10, टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का प्रिपेयर होगा, और इसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब बात कर ले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, तो यहाँ दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ केरला में एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसी आता है जो आपको परमानेंट जॉब अभी के डेट पर दे रहा है, और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाएगा विदाउट गेट के थ्रू, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डिपेंड करेगा, अगर सिचुएशन आपका नॉर्मल हो जाता है तो आपको, या नहीं भी होता है तो हो सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाए सेंटर्स आपका मेजर सिटीज़ में, बट अभी के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे केरला में ही सेंटर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिए कि आपका रिटर्न के बाद 1:6 का रेशियो में सिलेक्शन होगा, एक वैकेंसी है तो 6 लोग का सिलेक्शन होगा फेज़ टू के लिए, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्लियर होगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर ले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं सैलरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 50,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे 1 ईयर के तभी, और अगर आपके उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा आवर्स अगर आपसे काम लिया जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसके लिए भी आपको 3,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बेसिक पे ही हो जाएगा 40,000, और जो आपका मंथली सैलरी होगा वो 1,12,000 के आसपास रहेगा। सो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, प्रिपेयर कीजिएगा। अब बात कर लें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो देख सकते हैं 750 आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन मोड में पे करना है जैसा कि अभी नॉर्मल हर एक एग्ज़ाम में है, और कैटेगरी वाइज यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको फ़ी में भी, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के लिए आप एलिजिबल है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है कोचिंग शिपयार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में, हाउ टू अप्लाई में सारा प्रोसेस आपको लिख दिया गया है, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ भी सकते हैं, या फिर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आ जाना डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ये आपका कोचिंग शिपयार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक चीज़ के बाद बात कर ले कि आपका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, तो स्टार्ट हो चुका है आपका 6 अक्टूबर आज के डेट से शाम 5 बजे से ही, और चले गए 27 अक्टूबर 2021 तक, तो आप उससे पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा देता हूँ अप्लाई का ये। तो अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैकेंसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, तो यहाँ पे यस कंटिन्यू आपको करना है, और ये आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको अप्लाई का प्रोसेस दिख जाएगा, और इसको आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, और आप गूगल क्रोम के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही आप फिल कर पाएंगे। सो सिंपल, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6 अक्टूबर शाम के 5 बजे से यहाँ पे ऑन हो चुका है, और 27 अक्टूबर रात के 12 बजे तक चलेगा। सिंपल सा आपको रजिस्टर न्यू पे क्लिक करना है, और आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपने आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है,
और उसके बाद रजिस्टर कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर सबमिट करने के रजिस्टर, उसके बाद आपका जो लॉगिन करना है देन फिर से, और पूरा प्रोसेस है अप्लाई का। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, अगर आप एलिजिबल है इंटरेस्टेड तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कम चांस मिलता है विदाउट गेट के थ्रू। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।